हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट अस, कीप शेयरिंग अस फॉर मोर सच वीडियोस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे कुछ और नए सेंटेंसेस। सो मैं दोबारा आ गई हूँ उसी सीरीज के साथ। शुरू करते हैं आज के कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है। वह ठीक समय से आ गया। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि वह ठीक समय से आ गया, तो आप उसे थोड़ा डिफरेंटली कैसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे ही केम इन द निक ऑफ द टाइम। अगला सेंटेंस है गाइस, पहले अपना देखो फिर दूसरों को कहना, फिर दूसरों को बोलना। अगर आप किसी को डांट रहे हैं, कोई आपको ऐसे बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट कैच योर हेयर, यानी कि पहले अपना देखो फिर दूसरों को बोलना। मुझे पता है क्या करना है, मैं बच्चा नहीं हूँ। यानी कि आप किसी को बोल रहे हैं कि मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है मैं बच्चा नहीं हूँ। तो आप कहेंगे आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे। ईमानदारी उसके खून में है, ऑनेस्टी रन्स इन हिज ब्लड। ईमानदारी को इंग्लिश में ऑनेस्टी बोलते हैं, आप सबको पता होगा। ऑनेस्टी रन्स इन हिज ब्लड। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? आई विल चोक यू आउट। जो लिखा हुआ है गाइस, ये आई विल की शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इसको क्या पढ़ते हैं? आई चोक यू आउट, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं आई विल चोक यू आउट। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, या मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तो आई विल पोक योर आइज। पोक का मतलब वैसे होता है उंगली डालना, तो तुम्हारी आंखों में अगर कोई उंगली डाल रहा है तो वो पोक कर रहा है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आज के आपको कुछ सेंटेंसेस अच्छे लगे हों, समझ आए हों, और आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने वाले हैं। Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing, keep liking, and keep spreading education.